आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम FR में इंडिया से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंडिया स्टार्ट होगा तो सबसे कॉमन सी बात है कि भाई इंडिया से स्टार्ट करना है तो इंडिया वन से स्टार्ट करो। जी सही बोल रहे हैं, तो हम लोग भी स्टार्ट करेंगे किससे, इंडिया वन से। ठीक है, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, आई कैन एंड अवेल। आज करेंगे, अभी करेंगे और सीए बन के रहेंगे, क्योंकि बनना है तो बनना है। जी हाँ, बनना है तो बनना है, एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, इजंट इट? यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स वन। सॉरी, तो नाम क्या है इंडेक्स का, इंडेक्स वन में इंडेक्स का नाम क्या है? इंडेक्स वन का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस प्यारे से इंडिया का नाम है, तो आपको क्या लग रहा है इसमें क्या होगा? पहले नाम पे फोकस करते हैं ना भाई। मेरे को क्या लग रहा है कि देखो, ये प्रेजेंट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी मतलब, इसका मतलब समझते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कैसे प्रेजेंटेशन हो वो बताएगा हमें इंडेस वन, कैसे हो बताएगा इंडेस वन। तो बेसिकली जो शेड्यूल थ्री हम लोग पढ़ रहे थे, शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसका डिवीजन टू हमें सीए फाइनल में करना है, वो जो हम लोग कर रहे थे, उसका जो बेस है, जो रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल, कहां से इंस्पिरेशन मिला उसको, तो बेसिकली इंडेस वन से इंस्पायर होकर शेड्यूल थ्री बनाया। मतलब इसकी मजबूत कंधों पे खड़ा है शेड्यूल थ्री। मतलब ये आपको बताएगा कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो उसी का बाय प्रोडक्ट सपोज कर लो शेड्यूल थ्री है। समझ रहे? तो इंडेस वन पर डिपेंड करता है शेड्यूल थ्री, मतलब प्रिंसिपल ये है शेड्यूल थ्री का। शेड्यूल थ्री में हम बोले कि भाई एसेट में ये दिखाओ, शेड्यूल थ्री अगर हम बना रहे हैं तो बोले यहां ये दिखाओ वहां वो दिखाओ, तो ये किस बेसिस पे हम ये बोल रहे थे कि एसेट इधर दिखाओ लायबिलिटी इधर दिखाओ? सो दैट गोज टू इंडेस वन, दैट इज वाई इट्स का नेम है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप आप इंडेस के नाम को समझ रहे हो, ये नाम क्यों पड़ा हुआ है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है यहां पे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे जरूर कि इसका क्या मतलब है, मीनिंग क्या है इसका। मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोग तीन पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको मतलब हेडिंग का पता चल गया होगा, मतलब इस चैप्टर, इस इंडेस का क्या मतलब है। बेसिकली इट इज अ फाउंडेशन प्रिंसिपल फॉर शेड्यूल थ्री। ओके, अब हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। हम लोग इसमें तीन टॉपिक पढ़ेंगे, दो मतलब बेसिकली हमने इसको तीन पॉइंट में डिवाइड कर दिया है, जिससे आपको पढ़ने में आराम रहेगा। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट मीनिंग एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, FS लिखेंगे चलेगा? ओके, थैंक यू। फिर आएगा अपना अगला टॉपिक की ओवरऑल
कंसीडरेशन। ओवरऑल कंसीडरेशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है? हम किन बातों का ध्यान रखेंगे जब हम प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब व्हाट आर द थिंग्स वी शुड लुक बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर वी शुड कंसीडर व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगला आएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, मैंने बोला था ना शेड्यूल 3 में जो कुछ भी है उसका बेसिस कौन सा है इंडियस वन, तो इसमें ये बात भी हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको क्या लगता है, बस शेड्यूल 3 बस ऐसे ही दे दिया? आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना शेड्यूल 3 कहां से आया, किस बेसिस पे बना है शेड्यूल 3? सो दीज आर द बेसिस, बेसिकली इंडियस वन इज द बेसिस। इंडियस वन का क्या नाम है? इंडेस वन। नीम तो भैया एकदम याद कर लो, एग्जाम में तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, बिना नीम लिखे हुए तो कुछ होगा नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग और उसके बाद उसका पर्पस। तो अपना पहला टॉपिक क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका पहला क्वेरी यही होगा कि भैया इसका पहले मीनिंग बता दो, क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या आता है उसमें, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। ऑल दो मैंने बताया उसमें क्या क्या इंक्लूज्ड होता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ मीनिंग आपको, फिर से मैं बता देता हूँ कि मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हम लोग पढ़ रहे हैं NDS, उसका हमने बताया प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हम तीन पार्ट में इसको पढ़ेंगे। पहला पार्ट है हम समझेंगे कि मीनिंग क्या है और पर्पस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो रहा है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो समझना होगा ना भाई। तो उसको समझने के लिए पहले मीनिंग समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड, इसमें दोनों एक ही में आ गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन, एक स्ट्रक्चर में इसका प्रेजेंटेशन होता है, स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन इन फेथफुल मैनर। ओ माय गॉड, ये क्या है भाई साहब, बताते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू है बेसिकली, इन फेथफुल मैनर ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एंड परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल पोजिशन एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कहां से? फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग पीरियड। भाई साहब ये डेफिनेशन कहां से? इंडेस वन से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्ट्रक्चर्ड, एक ढांचे में बना हुआ है, एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्ड बना हुआ है, जो कि शेड्यूल 3 में आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, वहां पे हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं इन फेथफुल मैनर। इन फेथफुल मैनर मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए, इन फेथफुल मैनर ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। फाइनेंशियल पोजिशन मतलब बैलेंस शीट, उसका फाइनेंशियल पोजिशन क्या है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन,
ड्यूरिंग द पीरियड, उस पीरियड से जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है, आप के पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज करिए इस ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन बनता है ड्यूरिंग द ईयर, जो जो ट्रांजेक्शन आपके पास हुए हैं उसके हिसाब से, उसके हिसाब से जो आपका पोजीशन है फाइनेंस का और उसका परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। तो आपके फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द ईयर व्हेन इट इज शोन इन स्ट्रक्चर्ड वे विद द इंटेंशन ऑफ फेथफुल इन अ फेथफुल मैनर, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसको जब हम फेथफुल मैनर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन देते हैं जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को दिखाता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को दिखाता है, जब हम उसको स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन उसका देते हैं, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इजंट इट सिंपल सा है भाई? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन है, कैसा है? ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब फेथफुल मैनर में जो किया हुआ है, जो ये बताता है फेथफुल मैनर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस, उसके फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस को ट्रू एंड फेयर व्यू में दिखाता है ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन जो हुए हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीनिंग। पर्पस क्या है? पर्पस है, हमने ये पढ़ा मीनिंग, कुछ नहीं मीनिंग, ट्रांजेक्शन्स को एक स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन देना। अब बात आती है पर्पस क्या है इसका। क्या है पर्पस? बेसिकली जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये एंड यूजर्स, जो यूजर्स हैं उनको, उनके समझने के लिए बेसिकली, क्योंकि इनके पास कोई एक्सेस नहीं है। जो यूजर्स हैं, यूजर्स जैसे आपके शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास तो दे डू नॉट हैव एक्सेस टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसका पर्पस यही है कि जो यूजर्स के पास आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, उनको आपके फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को बताना है। तो ये इन लोग को भी पता चलना चाहिए था, चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो इंडिया बोलता है कि भाई जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसीलिए बनते हैं कि जो एंड यूजर्स हैं, जिनके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कोई सोर्स नहीं है, उनको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आपके यहाँ आपका एमडी बोलता है या फिर आपके बॉस बोलते हैं, भाई एक स्टेटमेंट बना के लाओ, वो वाला नहीं। जो प्रिंट होगा पब्लिकली, जो पब्लिक डोमेन में आएगा, हम उसका बात करें, दैट इज कॉल्ड जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने बात कर ली मीनिंग एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको एक बार मैंने बताया था कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा, आपको याद है कि क्या क्या आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब व्हाट इट इज, व्हाट डज इट इंक्लूड, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारी बात इंडियस वन में लिखी हुई है। अब इसका क्या कंपोनेंट है, आप सभी को पता है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल विद ओसीआई।
अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गया। अरे भाई अभी पहले नहीं था, अभी आ गया। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, SOCE, सोकी और नोट्स टू अकाउंट्स। भाई साहब इन पांच चीजों का को मिला के बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसका मतलब क्या बैलेंस शीट भी होता है, उसका मतलब क्या पीएल भी होता है, उसका मतलब बैलेंस शीट भी होता है, पीएल विथ ओसीआई भी होता है, कैश फ्लो भी होता है, शोकी भी होता है, नोट्स टू अकाउंट होता है। आप बोलोगे हाँ इतना सारा होता है। जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, शोकी एंड नोट्स टू अकाउंट। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, बैलेंस शीट को IAS क्या बोलता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको बोलता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। समझे, मतलब विदेशों में अगर आपको काम करना है तो आप ये समझ लो कि आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखना है, या फिर विदेश की किसी कंपनी का अगर आप देखोगे ये जो इंडिया में ऑपरेट नहीं करती, या फिर जिसका पैरेंट कंपनी बाहर है, तो उसको जो बैलेंस शीट बनाया होगा उसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नॉट द बैलेंस शीट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही है इसका कहानी। चलिए अब बात करते हैं क्या ये किस पे एप्लीकेबल है और क्या क्या इसमें आएगा। भाई साहब देखो, अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी का, सब पे एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू ऑल। जिन पे इंडिया से एप्लीकेबल है, हाँ जिन पे इंडियस एप्लीकेबल है उस पे इंडियस वन भी एप्लीकेबल है, बात ही खत्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या दिखाता है, व्हाट डज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज अस। अलार्म बज रहा था मेरा, मतलब अलार्मिंग साउंड आ गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमने बात करी, फाइनेंशियल मीनिंग एंड पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारा कुछ भाई साहब इंडियस वन में लिखा हुआ है, इसीलिए बताया जा रहा है आपको। मीनिंग क्या है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन होगा इन फेथफुल मैनर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। उस समय के सारे ट्रांजेक्शन के हिसाब से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन होगा, किस मैनर में होगा, इन फेथफुल मैनर, दैट इज कॉल्ड, जो हमें ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएगा ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन और परफॉर्मेंस का। चले आगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिखाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस दिखाता है। आपको पता है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड रहता है, एसेट्स, लायबिलिटीज। देखो पता तो आपको होगा कि भाई एसेट लायबिलिटी होता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो समझ लीजिए इधर से कॉन्फिडेंस ले लीजिए। इनकम हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, और इक्विटी भी हम लोग दिखाएंगे, सोकी भी अपने पास ना, तो ये सारी हो गई आपकी कहानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मेरी जुबानी। वाह 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 मोदी जी वाह, क्या बात कर रहे हो। एक टॉपिक अपना हो गया कंप्लीट, डन। अब बात करेंगे ओवरऑल कंसीडरेशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओवरऑल कंसीडरेशन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ओवरऑल क्या कंसीडर किया जाएगा, तो मैं बता देता हूं कि ओवरऑल क्या कंसीडरेशन करना पड़ेगा। हैशटैग ओवरऑल
consideration in preparation of financial statement. इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? पहली बात, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन. ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन. क्या भाई साहब? जी हाँ, ये ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन दे रहा है या नहीं, इस बात का ध्यान रखा जाएगा. दूसरी बात, कोई डेविएशन हो रहा है इंडेक्स में तो उसका डिस्क्लोजर हो रहा है या नहीं, या फिर डेविएशन हो रहा है तो क्या वो ओके है, उसको भी देखना पड़ेगा. हम एक एक के बारे में डिटेल में एनालाइज करेंगे भाई, कि बस ऐसे लिख नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में डिटेल में एनालाइज किया जाएगा. फिर हम बात करेंगे गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट्स को, कंप्लाई कर रहा है या नहीं, गोइंग कंसर्न है या नहीं, वो मैनेजमेंट चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे. हम क्या बोले, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं. इसको ट्रू एंड फेयर व्यू को और एक नाम से जानते हैं, बोली क्या अभी हमने ऊपर लिखा था, जल्दी बोलिए, बोल भाई. ट्रू एंड फेयर व्यू मैंने अभी ऊपर लिखा था ना, मैंने बोला था ट्रू एंड फेयर व्यू, फेथफुल मैनर, इन अ फेथफुल मैनर, तो उसको क्या बोलेंगे, फेथफुल प्रेजेंटेशन. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फेथफुल प्रेजेंटेशन, isn't it? ट्रू एंड फेयर व्यू हो गया, फेथफुल प्रेजेंटेशन. अक्रूअल आपको याद आ रहा है, अक्रूअल कौन, अक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग हो रही या नहीं हो रही, उस पर भी हम लोग बात करेंगे. ये इन डेज हमें बोलता है मटेरियल है या नहीं है, मतलब मटेरियलिटी की कॉन्सेप्ट्स को कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. बेसिकली जो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें गोइंग कंसर्न, अक्रूअल, मटेरियलिटी, ट्रू एंड फेयर व्यू, डेविएशन ऑफ इंडेस, इन सारी बातों का ध्यान देना चाहिए. और भी दो चार बातें वो भी देखनी चाहिए. एक तो आपकी कंसिस्टेंसी, ओहो इसको कैसे भूल सकते हैं. कुछ नई नई चीज़ें आपको दिखेंगी, वर्ड नए हैं, आपको पता पहले से ही है. एक ऑफ सेटिंग हो गया, ओके, ऑफ सेटिंग का मतलब आपको पता ही है, एक दूसरे से ऑफसेट कर देना. डीटी और डीटीएल को हमने ऑफसेट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में. एक कॉम्पेरेटिव्स, आपने कभी देखा है कि दो साल का एक साथ कॉम्पेरेटिव बनता है डेटा, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं तो दोनों साल का कंबाइंड बनता है, इजंट इट? तो इन सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे. ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, तो पहले हम बात करेंगे ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन क्या होता है. फिर डेविएशन ऑफ इंडेक्स अगर कोई होता है तो उस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, गोइंग कंसर्न हो, अक्रूअल, मैटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, ऑफसेटिंग, कंपेरेटिव्स. हाँ, मुझे पता है कि आपको इन सारी बातों का नॉलेज तो होगा, लेकिन हम लोग इसके ऊपर एक डिटेल बात करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे. गोइंग कंसर्न के ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, एक या दो, उसको भी डील किया जाएगा, लेकिन वो अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप सभी का तहदिल से शुक्रिया. अगला टॉपिक क्या है, ये सारी बातें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए वॉट, हमेशा जुड़े रहने के लिए, और अपने सुझाव जरूर बताइए कि भाई कैसा है, कैसा नहीं है, अच्छा है, बुरा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. और बस फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और बस एक बात याद रखिएगा कि आप हैं तो हमारी हैसियत है. आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, आई कैन एंड आई विल. व्हाट? आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल. आज करेंगे, अभी करेंगे, और सीए बन करेंगे, क्योंकि हमें बनना है तो बनना है. शुक्रिया. हाँ, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा. बाय.